काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है एक कोरोना से रिलेटेड, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनिएगा एंड अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ निकल के आ रही है पदमपुर से, तो वहाँ पे क्या है, कुछ लोग बाइक पे घूम रहे हैं और घरों के आगे करेंसी नोट यानी पैसे फेंक के जा रहे हैं। तो 200 से 500 के नोट वहाँ पे पड़े मिले और लोगों ने जैसे ही उनको फेंकते हुए देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड हैंड टू हैंड पुलिस वहाँ पे आई और उन नोट्स को पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ उनको अपने अंडर किया, मास्क वगैरह का यूज़ करके उनको प्रॉपरली ट्वीज़र से उठा के उनको लेके गए हैं और उनकी टेस्टिंग वगैरह होगी ये पता लगाने के लिए कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है कोरोना को फैलाने की। किसी को भी नोट के पास जाने नहीं दिया गया। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को अपने घरों में रहने की नसीहत दी और नोट को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे ही उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट्स निकल के आती हैं तो ये पता चल जाएगा कि उन नोटों के अंदर कोरोना वायरस था या नहीं। और उनके कुछ पिक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इन नोट्स को बिल्कुल ऐसे जैसे अपने किसी टिश्यू से हाथ वगैरह साफ करके फेंकते हैं उस कंडीशन में उनको फेंका गया। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे साथ पिक्चर्स वगैरह शेयर की जो वहाँ पे रहते हैं उस वार्ड में, वार्ड नंबर 11 की बात है ये पदमपुर की। तो वहाँ से कुछ लोगों ने मेरे को पिक्स वगैरह सेंड की उनकी प्रॉपर लाइव खींच के, और न्यूज़ चैनल पे भी अपडेट्स आ रहे थे उसके बारे में। उसकी छोटी सी क्लिप देखिए आप। पदमपुर के वार्ड नंबर 11 में दोपहर को एक घर के आगे पड़े कचरे पर 200 से अधिक रुपए के नोट दिखने पर सनसनी फैल गई। मामला काफी गहरा है, इसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। अगर आपको भी कहीं रास्ते में, सड़क पे या कचरे के ढेर में अगर करेंसी नोट पड़े मिलते हैं तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, उनको हाथ मत लगाइए ना ही उनके पास जाइए। लोग क्या करते हैं, फोटो वगैरह क्लिक करने के चक्कर में बिल्कुल पास में चले जाते हैं, तो प्लीज ऐसी गलती मत कीजिए। डायरेक्टली आप पुलिस को फोन कीजिए और उनको बताइए कि संदिग्ध स्थिति में आपको जो करेंसी नोट मिले हैं उन्हें आकर चेक करें। क्या मिलता है लोगों को ऐसे इस तरह की हरकत करने से जब ऑलरेडी देश इतनी बुरी हालातों से गुजर रहा है। वैसे मेरे को लगता नहीं है ये मजाक है, क्योंकि एक लेडी ने उस व्यक्ति को देखा था जिसने वो नोट फेंका और उसका कहना है कि 30 से 35 साल के बीच में थी उस व्यक्ति की उम्र जो फेंक के गया बाइक के ऊपर, अकेला ही था बंदा और फेस पे उसने क्या मास्क लगा रखा था तो पता नहीं चला प्रॉपर उसकी शक्ल वगैरह का। अब देखो क्या सीन होता है, जैसे उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स आती है मैं आपको अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी की आज की ये ताजा ताजा घटना हुई है अभी, और हो सकता है कि आपके एरिया में भी आपको कुछ इस तरह का देखने को मिले, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ताकि आप पहले से अवेयर हो जाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि क्या कुछ अभी हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया कि मेरे को लगता है कि लॉकडाउन का पीरियड बढ़ सकता है, तो आज तक की न्यूज में मैंने चेक किया तो वहां पर बताया गया था, अपोजिट पार्टी और मिनिस्टर्स के साथ बात वगैरह की गई है, तो उनमें से 80% लोग सहमत है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एंड इससे रिलेटेड हमारे पीएम 11 तारीख को मीटिंग करने जा रहे हैं कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे, जिसमें कि सभी स्टेट्स के सीएम के साथ वो वार्तालाप करेंगे और डिसीजन लेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। तो 14 तारीख को फुल एंड फाइनल डिसीजन आपके सामने आ जाएगा कि लॉकडाउन आगे कितने दिन बढ़ने वाला है। 80% लोग सहमत है कि बढ़ाना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है। अब कितने दिन बढ़ेगा और कितने दिन तक ये सब चलेगा वो आगे आपको पता चल जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग टास्क मुझे पूरे दिन में यह लगता है कि आपने जो चैलेंज लिया है उसको मॉनिटर करते रहते हैं डेली, तो इसको कट करते हैं ना तो अंदर से फीलिंग आती है कि भाई साहब इतने दिन हो गए अपने को रेगुलर व्लॉगिंग करते हुए और अभी फिलहाल बचे हैं 6 दिन। जो व्यूअर्स अभी नए देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनको तो इतना पता नहीं होगा, हमारी बेसिकली एक सीरीज चल रही है 21 डेज व्लॉगिंग चैलेंज की, तो उसी को हम पूरा कर रहे हैं, डेली घर पे रह के व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो घर पे ज्यादा कुछ कंटेंट बनाने को होता नहीं है, तो आपसे इसी तरह हम बात करते हैं इसी रूम से। तो जल्दी ही जैसे ये लॉकडाउन हटता है उसके बाद आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर आप आशीष 17 व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं और अभी मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूं। इस वाली वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जान बचा सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इंटरेस्टिंग से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।